हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त ठीक है भाई, अच्छे रहो भगवान की दया से। अच्छा, दूसरी बात, हम पढ़ रहे थे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने सेल्स और उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे। पार्ट फर्स्ट आपका उसके वीडियो आया होगा, लिखा होगा सेल्स, न्यूमेरिकल्स ऑन द सेल्स पार्ट फर्स्ट। आज उसका सेकंड पार्ट में उसके और न्यूमेरिकल्स करते हैं सेल के ऊपर ही। तो हमने उस टाइम पे आपको बताया था कि भाई पैरल जो सेल्स हैं उनको अगर पैरल कॉम्बिनेशन में अगर करना हो, पैरल कॉम्बिनेशन में, तो दो सेल्स को एक अलग अलग जिनकी पोटेंशियल होती है उनका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ईएमएफ दो हुई, एक के चार हुई, एक का इंटरनेशनल कुछ भी हुआ, दूसरे का कुछ भी हुआ, तो उनका पैरल कॉम्बिनेशन करके उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर दो के बजाय तीन आ जाए, चार आ जाए, अब चार अगर सेल हमारे पास आ गए, उनके इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें निकालनी पड़ जाए, और चारों के इक्विवेलेंट ईएमएफ ना, चारों के इंडिविजुअल ईएमएफ भी अलग अलग हो। अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर निकालनी हो चारों के इक्वल हुई तो सबको पता ही था, एक 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 और एक, अगर चारों के एक एक हुई तो नेट भी एक ही आएगा। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन अगर चारों की ईएमएफ भी अलग अलग हुई, डिफरेंट हुई, फिर उनके इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताता हूं एक क्वेश्चन के अंदर। जैसे निकालना वही है, फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑफ ए गिवन सर्किट, तो सेल्स के लिए पहले बार आपने नहीं पढ़ा है, याद नहीं है तो पीछे का रिवाइज करें पहले बार। तो मैं आपको सेल ऐसे दी ले, एक सेल ये है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ये है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ऐसे है, उसको उल्टा कर देता हूं। ठीक है, उल्टा कर देता हूं मैं, दो बनेंगे, मैं आपको एक में करवा देता हूं, दोनों क्वेश्चन एक उल्टा कर देते हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन चारों को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया इन दो एंड के बीच में, ये एंड ए है, ये एंड बी है। इसकी वोल्टेज है 1 वोल्ट, इसकी है 2 वोल्ट, इसकी है 3 वोल्ट, इसकी है 4 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम मान लेते हैं, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, इसका 2 ओम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल चार सेल हो गए। अब इन चारों सेल को हमने किस में जोड़ रखा है, पैरेलल में जोड़ रखा है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आपको पता होगा, इतना पता होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो ही सेल हो तो दो ही सेल होता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ वी नो वो था बेटा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन एंड डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो था बेटा आर डिवाइड बाय, मैंने इसको नंबर ऑफ रोज को एम लिखा था, तो आर बाय एम। याद करना है या नोटबुक में देखे ना, पिछले लेक्चर के अंदर जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने आपको करवाया था, उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर यही दो फॉर्मूले होते हैं जब पैरेलल कंबाइन करते हैं सेल्स को। तो ये तो दो के लिए है ना, बस ओनली दो रेजिस्टेंस और दो ही सेल, लेकिन हमारे पास तो चार है। तो इनको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले करेंगे इन दोनों को, फिर करेंगे इन दोनों को, फिर इसका जो रिजल्ट आए वो एक माना जाएगा, इसका रिजल्ट आए वो एक हो जाएगा, फिर वो दो होंगे, उन दोनों को फिर दोबारा से यहां रखेंगे। तो सबसे पहले अपर टू सेल हम ये कहेंगे, फोर अपर टू सेल्स, और अपर टू सेल्स जो ऊपर दो सेल दे रखे हैं उनसे, तो उनसे रिजल्टेंट निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा बेटा। देखो भाई, जो ई इक्विवेलेंट आएगा पहला मान लेते हैं, ई इक्विवेलेंट अपर वाला फर्स्ट वाला, तो कितना होगा, ये E1 मान लो, ये E2 मान लो, क्योंकि दोनों का प्लस प्लस से कंबाइंड है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे,
तो E1 ये E2 हो गया, तो E1 R2 ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, E1 R1 E2 R2, तो E1 ये है, तो R2 ये है ना, तो कितना आ जाएगा E1 R2 यानी 1 × 1 प्लस E2 R1 यानी कि 2 × 1 डिवाइड बाय R1 + R2 यानी 1 + 1 बन के दिखा रहे हैं, यानी कि आपको सर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती, मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे, ये पता चल जाएगा क्या क्या किससे मल्टीप्लाई किया हमने। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1 + 2 = 3, तो ये आंसर आ गया 3/2 वोल्ट है, तो क्या आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ऊपर वाले का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, कितना आ गया 3/2। ऐसे ही ऊपर वाले का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करो, 1 कितना होता है R/M, या फिर आइडेंटिकल हो तो, नहीं तो क्या होता बेटा, ये तो आइडेंटिकल था तो R/M, नहीं तो ये होता है बेटा, आप ये लिखना सभी के लिए R1 R2 / R1 + R2, क्योंकि रेसिप्रोकल एडिशन करते हैं ना, तो 1 R1 + 1 R2 = 1 R इक्विवेलेंट, तो उसको सोल्व करते हैं तो ये आता है R1 R2 / R1 + R2, ये आंसर आता है। तो आप ये लेके चलना, ये लिखना इसमें, देखो यहां तीन तो थे आइडेंटिकल लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर आप इसी पे लिखो कितना है R इक्विवेलेंट R1 R2, R1 भी 1 है R2 भी 1 है, तो सीधा से इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1/2। ठीक है, तो अपर टू सेल्स के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी 3/2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/2। फिर कर देते हैं लोअर के लिए, फॉर लोअर टू सेल्स नीचे वालों के दोनों के लिए, अब नीचे वालों के लिए यूज करेंगे हम, तो ये मान लो E1 हो गया, ये हो गया E2, ठीक है, लेकिन E1 R2 इसमें से ज्यादा वाले में से कम घटेगा, तो इसका हम क्या करें, इसको मान लें E1 क्योंकि ये माइनस है ना, तो यहां प्लस नहीं आएगा, यहां क्या आएगा फिर माइनस आएगा, अगर ये भी प्लस और माइनस होता जिस तरह ये प्लस और माइनस है तो फिर ऐसे कैसे लगा देंगे, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है माइनस माइनस, तो इसका मतलब इसके लिए क्या आएगा माइनस आएगा, तो करो सोल्व क्या बनेगा बताओ, तो इसको मान लें E1, इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया E2, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, करना सोल्व, ठीक है बताओ क्या आएगा, तो E1 R2, तो E1 कितना है 4, ये कितना है 1, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना, इक्विवेलेंट ईएमएफ नंबर 2 नीचे वालों के लिए, तो E1 4 × 1, ठीक है, फिर कितना है माइनस, तो माइनस E2 R1, R1 कितना है 2, ठीक है, डिवाइड बाय R1 + R2, रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं, सीधा प्लस होता है हमेशा, तो 2 + 1 कितना बड़ा बेटा, 4 - 6 कितना आएगा -2 डिवाइड बाय 3 -2/3 वोल्ट -2/3 वोल्ट। हाँ अगर आप इसको मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन याद रखना इस सेल के वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल को क्या लिखोगे -3, अगर हम इसको भी इवन मान लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, अगर इसको इवन लिखो इसको R2 लिखो तो क्या आएगा -3 × 2 प्लस E1 R2 यानी 4 × 1 एंड डिवाइड बाय 3, तो कितना ये तो आएगा सर, तो उससे को फर्क नहीं पड़ना E1 E2 क्या मान रहेगा, लेकिन ये जरूर देख लेना कि यहाँ पे एक पोटेंशियल क्या है माइनस है, -3 लोगे ना कि +3 लोगे, वो आपकी मर्जी आप क्या मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उसी से, तो E1 E2 कुछ नहीं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखें यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ प्लस हो तो उसका प्लस, तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट जो EMF आई वो कितनी आई -2/3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बता दें R1 R2 2 × 1 डिवाइड बाय R1 + R2 2 + 1 यानी कितना आएगा 2/3 कितना हो, तो हमारे पास ऊपर वाले दोनों सेल की इक्विवेलेंट ईएमएफ तो आ गई 3/2 रेजिस्टेंस 1/2 नीचे वालों का -2/3 और रेजिस्टेंस 2/3। ठीक है, अब निकालेंगे हम नेट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो पहले आप इसको नोट करें,
कर लिया ठीक है। देखो नेक्स्ट टर्म, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आ जाएगी वो बताओ बेटे। नेट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ई इक्विवेलेंट नेट ई क्या बढ़ेगा बेटा? ये मान लो ई वन ये हो गया आर वन, ये हो गया ई टू, ये हो गया आर टू। क्या होता है ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन है ना, डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। तो ई वन आर टू, ई वन क्या है थ्री बाई टू इंटू आर टू, आर टू क्या है टू बाई थ्री प्लस ई टू आर वन, ई टू क्या है माइनस टू बाई थ्री, थ्री क्या बनेगा माइनस ई टू आर वन, आर वन क्या है वन बाई टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, आर वन कितना है वन बाई टू, आर टू कितना है टू बाई थ्री। बस इसको सोल्व कर लिया, नीचे का मिटा दो। ठीक है देखो तो कितना आ जाएगा बेटा, कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहां क्या बचा वन, वन माइनस वन बाई थ्री, नीचे कितने एलसीएम आ जाएगा सिक्स, कितना आ जाएगा थ्री प्लस फोर, कितना आएगा थ्री माइनस वन टू बाई थ्री, और नीचे से कितना आ जाएगा सिक्स बाई सेवन, तो कितना आ जाएगा थ्री टू सिक्स, यह आ जाएगा फोर बाई सेवन। तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा फोर बाई सेवन, फोर बाई सेवन। अब हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट क्या था R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो R1 क्या था टू बाई थ्री, R2 कितना था वन बाई टू, तो R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा ये वन बाई थ्री, एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा थ्री टू सिक्स, और ये आ जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन बाय सिक्स, यानी कि वन बाई थ्री और सिक्स बाई सेवन, हाँ ठीक है सिक्स बाई सेवन, तो ये आ जाएगा टू बाई सेवन। तो जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा टू बाई सेवन ओम, टू बाई सेवन ओम, और ये आ जाएगा फोर बाई सेवन वोल्ट। तो अगर हमारे पास दो से ज्यादा सेल आ जाते हैं, दो या चार या छह ऐसे अगर सेल आ जाते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, उनको ऐसे सोल्व करते हैं, मैक्सिमम हमारे पास चार सेल हो सकते हैं, इससे ज्यादा हम इनको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होंगे। बस यही लास्ट एक क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, यानी कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्या बन सकता है दो के बाद चार सेल्स के लिए, तो ऐसे आ सकता है, और अगर ये प्लस हो जाता है तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए एक अलग क्वेश्चन था, इसमें नोट कर लेना इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा और देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेल दे रखे आपको, दोनों की ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन आर टू, टू सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल कह सकते हैं, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंसेस आर आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दे के रखा है इफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
फर्स्ट सेल इज जीरो, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर आर वन एंड आर टू। ये हमारे पास बेटा कि दो सेल हैं, एक सेल हो गया ये, इसका इंटर रेजिस्टेंस हो गया आर वन, एक सेल हो गया ये जिसका इंटर रेजिस्टेंस ये हो गया आर टू। ठीक है, यहां लगा लो, यहां लगा लो बच्चे, यहां लगा दो, इसके नीचे लिख दो, एक ही बात होती है। और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और दोनों की ईएमएफ सेम है, ई एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया सी। क्वेश्चन पढ़े अच्छे से, दो आइडेंटिकल सेल हैं, दोनों की ईएमएफ ई है, दोनों का रेजिस्टेंस लेकिन अलग है आर वन और आर टू। ठीक है, तो आप आइडेंटिकल मत कहो इनको, आइडेंटिकल कहोगे तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, दोनों की ईएमएफ सेम होगी और रेजिस्टेंस भी सेम होगी, तो आप सेल कहोगे सोने टू सेल्स। ठीक है, आर वन आर टू कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज जोड़ रखी हमने। अब उसने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इस सेल के अक्रॉस टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो आर वन आर टू और आर में क्या रिलेशन होगी। तो रिलेशन एक तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर हो तो क्या होगा ऐसे। ठीक है, या बीओसी भी इसमें निकालो कितना आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे करोगे, सबसे पहले फाइंड करोगे सर्किट के अंदर करंट। तो करंट ये सेल दोनों का नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट है, तो दोनों के कारण ही करंट ऐसे आएगा, तो टोटल करंट इन द सर्किट आई कितना होगा, टोटल ईएमएफ और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये तो होता है। तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा, ई प्लस ई टू ई, अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट, यानी कि अगर ये माइनस है ये माइनस आ जाता तो आपस में क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टू ई और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर, आर वन प्लस आर टू प्लस आर, ये हो गया सर्किट का करंट। अब निकालना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, ये कह सकते हैं और बिटवीन ए एंड बी, एक ही बात है, और वो कितना दे रखा है इज जीरो, यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बेटा, अगर सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है तो ई माइनस आई आर, और सेल में करंट जा रहा हो तो ई प्लस आई आर, तो ई माइनस आई आर। पहले का ईएमएफ कितना है, ई है, ठीक है, सेल का करंट आई है तो आई है, रेजिस्टेंस कितना है आर, और वो कितना दे रखे हैं इक्वल टू जीरो। आप इस आई की वैल्यू को यहां पुट कर दे, आंसर अपने आप आ जाएगा, नोट कर लें क्वेश्चन का, हो गया। ठीक है, देखो आगे, बताओ जीरो इज इक्वल टू ई माइनस आई, कितना हो गया टू ई डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर इंटू क्या है आर वन इंटू आर वन और इज इक्वल टू जीरो। हम ये भी कह सकते हैं और E इज इक्वल टू टू ई आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर, कैंसिल, वन बच गया, ये इधर आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर इज इक्वल टू टू आर वन। हम ये भी कह सकते हैं R इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये R इज इक्वल टू कितना आ गया टू आर वन, एक आर वन इधर जाएगा तो आर वन, ये आर टू किस में जाएगा माइनस में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आएगा वो दोनों रेजिस्टेंस के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आएगा, तो R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तीनों सेल के अंतर।
अगर आपको निकालनी पड़ जाए पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बिटवीन बी एंड सी, तो आप क्या लिखोगे, E माइनस आई इंटू आर टू। जैसे आपने क्या लिखा था, E माइनस आई आर वन, ऐसे क्या जाएगा, E माइनस आई आर टू, आई निकाल रखा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जिसमें आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओनली क्या चाहिए आपको, करंट चाहिए। करंट होगा टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, बिठा दें, चलो और देखो बिठा दिया। और करते हैं क्वेश्चंस कुछ एक, जैसे एक क्वेश्चन है, 8 सेल्स हैं, 8 सेल्स हमारे पास, 8 होते 6 5 कितने हो सकते हैं, 8 सेल्स, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट यूज टू सेंड ए करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, यूज टू सेंड ए करंट टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नंबर वन 200 ओम, नंबर टू 0.002 0.002 ओम एंड नंबर थ्री 1 ओम। तीन रेजिस्टेंस है अलग अलग, कैसे है, हाउ वुड यू अरेंज देम, हाउ वुड यू अरेंज देम, हाउ वुड यू अरेंज देम टू गेट द मैक्सिमम करंट इन ईच केस, टू गेट द मैक्सिमम करंट इन ईच केस, इन ईच केस फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच केस, और उसमें करंट भी निकालना है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच केस। उस सर्किट के अंदर जो करंट आएगा वो करंट भी निकालना है। अब उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को समझे पहले कि क्या करना है इसके अंदर हमें। देखे रखें टोटल 8 सेल है, आइडेंटिकल है, सभी का रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.5, सभी का ईएमएफ हो गया 1.5। ठीक है, यूज कर रहे हैं हम सेल को किस लिए, करंट भेजने के लिए एक रेजिस्टेंस के अंदर, और रेजिस्टेंस बारी बारी से होंगे। पहला अगर रेजिस्टेंस है कि 200 ओम हुआ, फिर उसको हटा दिया जाए, फिर उसके जगह लगा दिया जाए 0.02, फिर उसको हटा के लगा दिया जाए 1 ओम। ये तीन रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, बारी बारी से इन टर्न इनका यूज करेंगे। Then how would you arrange them to get the maximum current in this case? तो हम उन cells को, ये जो cell थे हमारे 8 cell हैं, इनको series में जोड़ेंगे कि parallel में जोड़ेंगे कि mixed grouping में लगाएंगे, कितने cells series में जोड़ेंगे, कितने parallel में जोड़ेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा current हमें मिले हर केस में। अगर पहले दो ये हुआ, 200 हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इन तीनों के लिए, और उसके बाद करंट आया कितना वो भी फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले केस फर्स्ट, पहला ले लेते हैं नंबर वन, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 200 ओम। अब भाई भाई कम्युनिस्ट ऑफ सेल को दोबारा से फिर से पढ़े, मैंने जो आइडेंटिकल सेल आपको करवाए थे, आइडेंटिकल सेल विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस याद करना, एक तो था ओनली बस कम्युनिस्ट ऑफ सेल, उसके बाद करवाया था आइडेंटिकल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ करंट वगैरह विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और उसके बाद में स्पेशल केसेस में दो दो केस मैंने हमेशा लिखे थे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या होगा, इंटरनल ज्यादा हो तो क्या होगा, उन केसेस को ध्यान करें वापस। तो देखो यहाँ पे आर कितना है 200 ओम है,
और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। हो गया। अब इसमें आप देखो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन ज्यादा है, एक्सटर्नल ज्यादा है और बहुत ज्यादा है कि कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा है। और उसकी कंडीशन क्या थी कि कब करंट ज्यादा आएगा, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस देन करंट विल बी मैक्सिमम एन टाइम्स या एम टाइम्स। ध्यान से देखना टॉपिक के अंदर एन टाइम्स कब आया था या एम टाइम्स कब आया था, वो कब आया था जब यहां पे आर की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा थी, देन करंट विल बी मैक्सिमम इफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पढ़ना अच्छे से, एन ई बाई आर, ई बाई आर गुणा में एन टाइम्स आया था। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा थी सीरीज के अंदर, देखना पहला कि इफ सेल्स ऑल सेल्स आर कनेक्टेड ओनली इन सीरीज एंड इफ आर इज ग्रेटर देन आर देन करंट विल बी मैक्सिमम एन, ये आया था एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, देखना ध्यान से उसमें ये आया था। ठीक है, तो ये कितना होगा एन टाइम्स, यानी करंट ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि अगर यहाँ पे R लिया गया 200 ओम, यानी पहले केस में 200 ओम रेजिस्टेंस है और वो R से कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो इसका इतना मतलब अपने आप निकल के आ गया कि करंट ज्यादा तब आएगा जब 8 के 8 सेल किसमें जोड़ दिए जाए, सीरीज में। तो पहला ये आगे बात इसमें कि सभी सेल किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, पहली बात ये पता चल गई। अब पता चल गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द करंट, करंट भी निकालना है। अब करंट कितना आएगा सर्किट के अंदर, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, करंट टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ना कि इंटरनल, पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करेगा नहीं, तो टोटल ईएमएफ अगर 8 के 8 सेल सीरीज में हो तो नेट ईएमएफ कितना होता है, एक का कितना है 1.5, तो 8 का कितना आ जाएगा, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 into E कितना आ जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 200, तो ये है प्लस R कितना है हमारे पास, R कितना हो जाएगा 8R, है ना, ये देखना ध्यान से, इक्विवेलेंट ईएमएफ तो हो जाएगा 8E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 8R, तो 8E तो ये हो गया और रेजिस्टेंस हो गया 200 प्लस इंटरनल 8R, और कितना हमारा 0.5। इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 15 × 120, यानी कि 12, नीचे आ जाएगा 4 204, सोल्व कर लियो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट केस के अंदर ये पता चला कि R था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से बहुत ज्यादा, तो हमें सर्किट को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा ना, सभी सेल्स को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करने के लिए, और मैक्सिमम करंट या करंट निकालने के लिए टोटल ईएमएफ चाहिएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा 8E, टोटल रेजिस्टेंस होगा 8R, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को अच्छे से पढ़े, पहले उनका कॉन्सेप्ट पढ़े अच्छे से, यानी कि बस उन्हें सीधा न्यूमेरिकल निकालने पड़ जाए। एक क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा केस क्या है, नोट करें क्वेश्चन को पहले बार, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टेंस है 0.002, मिटा दो, ठीक है। अब हमारे पास है नंबर सेकेंड, रेजिस्टेंस दे दिया एक्सटर्नल 0.002 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। अब आप देखो कौन सा ज्यादा है, और ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एंड टाइम के आसपास ये ज्यादा वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हेयर आर इज ग्रेटर देन आर, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा हो तो सर्किट के अंदर करंट ज्यादा तब आ सकता है जब वो सर्किट के अंदर सभी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हो। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस पढ़ना विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और उसमें पढ़ना कि भाई कब करंट ज्यादा आता है, यानी m टाइम्स m e बाई r कब आता है,
एम ई वाई आर है ना, तो आर ये कब आता है, तो ये कब आया था कैसे, ये तब आया था जब इस आर की वैल्यू इस आर से बहुत ज्यादा हो। तो अगर ऐसा हुआ एर आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर, करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम इफ ऑल एट सेल्स, जो आठ के आठ सेल हैं आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब आठ के आठ को पैरेलल में अगर ऐड कर दें, कर दिया ऐड, अब पैरेलल में ऐड कर दिया तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिएगा, बताओ भाई, अब बताओ सब के सब पैरेलल में हैं, सब के सब ईएमएफ सेम है, तो आंसर भी कितना आएगा, एक के इक्वल, तो ईएमएफ ई आ जाएगा, ई कितना है 1.5 वोल्ट, क्लियर। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आर बाई एम होता है, अगर सारे के सारे आइडेंटिकल हो तो, आर कितना है हमारा, आर है 0.5, एम कितना है 8, 8 हमारे पास रोज है, कितना आ जाएगा ये 0.06 और 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आर ये भी हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा निकाल लेंगे, करंट कितना आ जाएगा, करंट निकाल दो, करंट कितना होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल तो कितना है 0.02 प्लस और इंटरनल कितना है 0.062, तो इनको अपने आप कर लेना, ये 1.2 ये आ जाएगा 0.064 वैल्यू, लगभग इतना आ जाएगी एम्पियर, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू इस आर की इक्वल है, मतलब आर की वैल्यू यहां पे आर इधर के, और कंडीशन ये आपके पास आ रही है कि इस आर की वैल्यू इस आर से बहुत ज्यादा है, तो सभी सेल्स को किसमें जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में, क्या करने के लिए, मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा करंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, हो गया नोट। चलो तीसरा केस, अब तीसरे केस के अंदर क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, क्वेश्चन को मिटा दो सारे को, ठीक है, देखो थर्ड आर दे रखा है 1 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, कंपेरेबल, ये तो 2 टाइम ज्यादा है ना, 100 टाइम्स कम हो ज्यादा हो तो उसके सामने नेगलेक्ट होता है, लेकिन यहां पे तो क्या है, ये हमारे पास ये दोनों तो कंपेरेबल है, अब कंपेरेबल है तो कंपेरेबल के लिए अब उन सेल्स को कैसे रखा जाए कि करंट ज्यादा से ज्यादा आए, तो इफ यानी कि हेयर आर इज नियरली इक्वल टू आर, करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम इफ सेल्स आर इन मिक्स ग्रुपिंग, कोई सेल सीरीज में होंगे, कोई पैरेलल में होंगे, कितने सेल सीरीज में होंगे, कितने सेल पैरेलल में होंगे, अब हमें ये फाइंड करना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितने वो फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझे, कॉन्सेप्ट भी याद है, ये तीनों के तीनों नए नए कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से याद रखे बाद में, ठीक है, इन्हें क्या न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट भी है कि कब करंट ज्यादा आएगा किस केस में, तो है कंपेरेबल में हो गए, अब कंपेरेबल में हमारे पास है तो मिक्स ग्रुपिंग हो गया, मिक्स ग्रुपिंग में मैंने आपको क्या बताया थे, मैंने आपको कहा था कि भाई ये हमारे पास ऐसे सेल्स हैं, ऐसे और ऐसे सेल होंगे नीचे, तो नीचे ये रोज है, ये रोज हमारे पास कितनी है, एम रोज है, ठीक है, और इधर क्या है, एन नंबर ऑफ सेल्स है, एन नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, एन सेल्स इन वन रो, बेसिक आप इसको लिख सकते हो यहां पे, लेट n is the number of cells in one row and m is
नंबर ऑफ रोज, m है वो नंबर ऑफ रोज। तो अब इसका मतलब हमें कितना m है कितना n है वो हमें फाइंड करना है। तो इतना तो पता है ना, टोटल सेल कितने हमारे पास 8। तो टोटल सेल अगर 8 है तो दोनों का प्रोडक्ट m इंटू n कितना हो गया 8। m इंटू n तो पता है वो कितना है 8 है। चलो अभी नहीं पता m और n। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंडीशन ये आती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने होते हैं मिक्स ग्रुपिंग में, याद करें कॉपी खोल के देखें जैसे कि मिक्स ग्रुपिंग में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू होती है एनआर बाई एम। ध्यान से देखना, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है एनआर डिवाइड बाई एम। दो वैल्यू, आर एक्सटर्नल कितना है 1 ओम, रख दिया 1 ओम इज इक्वल टू एन। आर कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 डिवाइड बाई एम, ठीक है 0.5 का मतलब कितना हो गया 1/2 यानी कि 2 इधर गए, तो एन इज इक्वल टू 2 एम बन गया भाई, 1/2 है ना ये 1/2 तो 2 इधर गए तो कितना बनेगा एन इक्वल टू 2 एम। अब एन की जगह 2 एम पुट कर दो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में, एन की जगह 2 एम करना पुट इन फर्स्ट, तो m इज इनटू n के लिए क्या आ गया 2m इज इक्वल टू 8। तो कितना आगे बढ़ेगा, ये हमारे पास आ गया 4, ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 2, m कितना आ गया 2, m 2 आया, m की जगह 2 पुट कर दो यहां पे, m की वैल्यू पता चल गई हमें, m की वैल्यू 2 यहां पुट करो तो n कितना आ जाएगा 4, एन कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या होंगे, दो रोज होंगे बस, एक और दो, दो रोज में क्या क्या आएंगे, हर रो के अंदर कितने सेल होंगे 4, 4 सेल इसमें होंगे 4 सेल इसमें आएंगे, ये बनेगा इसका कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको उसको बना के दिखाऊं तो। एक दो तीन चार ऐसे यहां, और ये सब का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां से कनेक्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, ठीक है। अगर ऐसे सर्किट होगी तो अपने आप इस सर्किट से ज्यादा करंट आएगा, ये डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर थर्ड केस का। अब हमें n पता चल गया, n पता चल गया, अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है बिटवीन दिस, टोटल ईएमएफ बताओ कितनी है, इधर टोटल ईएमएफ, या टोटल ईएमएफ नहीं करो तो आप सीधा क्या कर दो, इसका करंट, करंट फाइंड करने का सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद है तो बताओ, करंट आई, आई का फॉर्मूला था बेटा एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर, ठीक है MR प्लस NR, MR यही था ना, ध्यान से देखें एक बार, क्योंकि एक बार मैं भी देख रहता हूं, हमारे पास फॉर्मूला ये आया था बेटा, टोटल EMF तो कितना था हमारा E था, ठीक है NE था, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस हमारा आया था R प्लस NR बाई R, ये आया था, तो चेक कर लेता हूं मैं, ये क्या बनेगा MR प्लस में NR और ऊपर जाएगा मैंने, ठीक है बिल्कुल ये बनेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर, तो वैल्यू पुट कर दे बस ओनली, एम कितना है, एम है 2, एन कितना है 4, एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 डिवाइड बाई एम कितना है हमारे पास, एम था 2, रेजिस्टेंस है 1 प्लस एन कितना है 4, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, सोल्व कर लीजिए उसको, ये आ जाएगा करंट हमारा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बनेगा सेल के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेल का, सेल कॉम्बिनेशन का, ठीक है बेटा। एक और करवाता हूं मैं इसमें सेल पे, नोट कर लिया, ठीक है देखो आगे सेल कॉम्बिनेशन के लिए बताता हूं आपको,
मैंने आपको ग्राफ बताया था, ध्यान होगा, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में V वर्सेस I, याद होगा तो। ये ग्राफ है V वर्सेस I के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड EMF, there are three cells, यहाँ पे तीन सेल हैं, क्वेश्चन कर दिए हैं, there are three identical cells, there are three identical cells, ठीक है, fine, ग्राफ भी गिवन है, नंबर वन, EMF of each cell, नंबर टू मैक्सिमम करंट इन सर्किट, नंबर थ्री इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। कितना से करो वेरीफाई, कितना इन का, तो सबसे पहले तो क्या करोगे इस ग्राफ के लिए, याद होगा ग्राफ, ग्राफ पढ़ना, इससे फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे मैंने, इस ग्राफ में ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है सर्किट के अंदर, जब सर्किट ओपन हो, तो सर्किट कितना, सर्किट में करंट कितना हो, जीरो, तो इस ग्राफ में करंट कहां जीरो है, यहां जीरो है, तो इस पॉइंट पे करंट कितना हुआ, जीरो, तो ये छह क्या हुआ ईएमएफ, लेकिन ये ईएमएफ कितने का हुआ बेटा, तीन सेल्स का, तो ईएमएफ कब होता है सर्किट में, यानी E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिक्स, इफ I इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास सेल कितने होंगे, तीन, तो ईएमएफ ऑफ द ईच सेल कितना आएगा, ये सारे के सारे सेल इसमें सीरीज में है, तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना होगा, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेना, V इज इक्वल टू E इफ I इज इक्वल टू जीरो, ऐसे करना, तो V इक्वल टू E, V हमारे पास कितना हो जाएगा, छह, लेकिन E इक्वल टू आ जाएगा सिक्स, तो ईएमएफ ऑफ द ईच सेल कितना होगा, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, तो ईच सेल के लिए हमारे पास यानी कि ई वन ई टू जो भी आएगा कितना आएगा, तो सिक्स डिवाइड बाई थ्री कितना आ जाएगा, टू, तो हर एक सेल का ईएमएफ हमारे पास कितना आ गया बेटा, टू वोल्ट ईएमएफ, ठीक है। दूसरी बात, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट कितना था, करंट विल बी मैक्सिमम, I will be maximum, उस ग्राफ को पढ़ लेना चाहिए, समझे, ग्राफ पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, I will be maximum if terminal potential difference equal to zero, means resistance equal to infinite, ना, resistance equal to zero, तो यहाँ पे resistance अगर कम से कम होगा तो करंट क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे V कितना है, zero, तो V zero कहाँ है इस लाइन में, तो V zero यहाँ है, तो 0.6, तो I maximum कितना आया, I max आ गया 0.6 एम्पीयर, आ गया, ठीक है। थर्ड केस क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी ग्राफ से आपने नोट किया होगा क्या चीज, कि इंटरनल रेजिस्टेंस उस ग्राफ से कैसे फाइंड करते थे, कैसे फाइंड किया था, स्लोप से, याद होगा ना, तो हमारे पास उस R की जो वैल्यू आई थी, हमने निकाल के बताई थी वहां पे, तो वो कितनी आई थी बेटा, E डिवाइड बाई आई मैक्सिमम, E डिवाइड बाई आई मैक्सिमम, तो यहाँ पे E हमारे पास क्या है, 6 डिवाइड बाई आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कितना है 0.6, कितना आ जाएगा बेटा, यानी आप ऊपर जाकर क्या हो, मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आ जाएगा ये 6, कितना आ गया 10, ठीक है, तो टोटल इंटरनल कितना हो गया 10, और एक सेल का निकालना है तो डिवाइड बाई 6, आर वन आर टू जो भी निकाले हमारे पास, तो आ जाएगा 10 बाई 6,
तो ये तो हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का सभी का, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक साइड का, तो 10/6। तो ये हमारे पास आगे बेटा एक ग्राफ का क्वेश्चन। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेल के लिए। मैंने आपको लगभग लगभग हर टाइप के क्वेश्चन एक दो दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी आप करते रहना, एक दो खुद भी करना, बुक्स आपके पास है बुक्स में से देखना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करना, सेल के ऊपर दे रखे हैं उनको भी अच्छे से करना, नहीं आते तो बताना। और दूसरी बात मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, जो आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी चीजें, तो अगर आपको कुछ भी इसके अंदर दिखाई दे रहे कि भी नहीं हमें नोट कर रहे कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो जरूर लिखें। और सही लगता है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बेटा, बताएं जरूर, नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहो घर पे। ओके, बाय।